हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटी ऑनलाइन फॉर्म में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सी टैट के अप्लाई ऑन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। सी टैट जनवरी 2024 के फॉर्म आपके जो है आपको पता ही है आपके निकले हुए हैं। कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे सी टैट का, इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं 23 तारीख लास्ट डेट है, तो 23 तारीख के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम डेट आपकी रखी गई है वो 21 जनवरी 2024 में इसकी रखी गई है। अब कैसे फॉर्म को फिल करना है इस वीडियो में बताई गई है। शुरू मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें, पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे। जैसे ही आप आ जाएंगे यहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा सी टैट जनवरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जनरल OBC EDLS के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो 1000 रुपये फीस आपकी। अगर आप SC ST या PH है तो 500 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप बोथ पेपर के लिए प्राइमरी जूनियर के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको SC ST के लिए कर रहे हैं तो 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। 3 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 23/11/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। कनेक्शन आप दोस्तों 28 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, अगर आपकी कोई गलती हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 21 जनवरी 2024 रखी गई है। ठीक है दोस्तों, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाला साइड आपके ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करेगा। अगर आप पहले कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, साइन अप पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नाम डालना है अपना, फिर आपको पिताजी का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आप डालिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको जेंडर है, मेल है, फीमेल है, वो सेलेक्ट करेंगे अपना। यहाँ पर ID सेलेक्ट करेंगे, वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, अन्य कोई ID, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो भी एड्रेस है, कंट्री वगैरह, स्टेट वगैरह आप डालिए अपना, पिन कोड वगैरह यहाँ पर सारा कुछ आपको डालना है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल ID, दोबारा से ईमेल ID, मोबाइल नंबर। फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने बाद फिर आपको जो है टिक करने बाद फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है दोस्तों। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर सब पे टिक कर देना है। टिक करने बाद एक बार आप अपना फॉर्म को चेक कर लेगा, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती हो चुकी है रजिस्ट्रेशन में तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पर दोबारा क्लिक करके दोबारा फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, देख सकते हैं सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पर इस वजह से जो है ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आएगी आपकी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरे होगी, जैसे कि नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आपको पिताजी का नाम डालना है, माता जी का, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है, अपनी जाति सेलेक्ट करनी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, इनमें से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको नो करना है, यहाँ पर नो करना है। अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, है नहीं तो आपको नो रखना है। उसके बाद आपको करना है एम्प्लॉयड स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड टीचर है या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर है तो देख लीजिए, अगर आपका नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉयड कीजिए, ये कैप्शन डालिए। और उसके बाद दोस्तों आपको सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अप्लाई फॉर,
आपको इनमें से 1 से 5 के लिए भरना है या बोथ, पेपर 2 के लिए भरना है खाली, या पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए आप आपको अप्लाई करना है। तो जिस भी को भी आपको अप्लाई करना है, पहले आपको पेपर 1 के लिए बता देता हूँ। लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, जौन सी भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, जो भी देना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज। फिर आएगा आपका मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 से 5 के लिए। तो जो ये 4 कोड दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, चारों को आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे बोला गया है सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क एंड 2 ईयर का डिप्लोमा। मतलब कहने का मतलब यह है, 50% मार्क्स आपके 12वीं में होने चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा, मतलब कि आपके पास बीएड आपके 2 साल की होनी चाहिए। यहाँ पे ये पूछा कह रहा है कि या तो आपकी चल रही हो या हो चुकी हो अपेयरिंग या पास। जो दूसरा ऑप्शन है सेकेंड ईयर सेकेंडरी विथ लास्ट जॉब 45% अपेयरिंग 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन विद एनसीवीटी। आपसे दूसरे ऑप्शन में मांगा गया है कि आपके पास 45% जो है इंटर में होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, मतलब कि बीएड। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है सीनियर सेकेंडरी विद लास्ट 50% मार्क पासिंग या फिर फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर एजुकेशन बीएलएड। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% के साथ में 4 ईयर का बैचलर बीएलएड, मतलब कि कोर्स आपका होना चाहिए। फिर आपसे चौथा ऑप्शन पूछ मांग गया है इसमें सीनियर सेकेंडरी विद लास्ट 50% मार्क पास एंड अपेयरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेशन है वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ये तो हो गया आप 105 के लिए। अब आप कर लेते हैं 6 से 8 के लिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको देनी है अपनी, उसके बाद आपसे यहाँ पे 8 कोड आपके मांगे गए हैं पेपर 1 1 से 5 के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपको कोड इनमें से भरना है भर लीजिए। जैसे फर्स्ट ईयर में आपसे पूछा गया है, पहले में ग्रेजुएशन विद 2 ईयर का डिप्लोमा है। फिर सेकंड में पूछा गया 50% मार्क ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फिल फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ये मांगा गया है आपके। तीसरा है 45% ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए और बीएड होना चाहिए आपका। चौथा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क 4 बैचलर एजुकेशन। पांचवा देख सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं इनमें से। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे आपको फिर आपको आएगा यहाँ पे आप मैथ या सोशल साइंस इनमें से कौन से के लिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम आप कौन से में जो है करना चाहते हैं। तो जो जो भी जिसके लिए भी आप इनमें से देखना चाहते हैं, सोशल साइंस से करना चाहते हैं, सोशल साइंस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप कोड देख के भरिए दोस्तों, कोड यहाँ पे गलती ना करें। अगर आपको बोथ के लिए करना है तो बोथ पर आप क्लिक करेंगे, और बोथ पर क्लिक करने बाद फिर आपसे 2 यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। बोथ में देख सकते हैं लैंग्वेज आ चुका है, फर्स्ट में लैंग्वेज हिंदी, फिर आपको इंग्लिश आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 1 से 5 के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरनी है। पहला आप चुन सकते हैं यहाँ पे, दूसरा भी आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन विद पासिंग ईयर अपेयरिंग 2 ईयर का डिप्लोमा, बस ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डालिए ये, और उसके बाद अगर आप बीएड की डिटेल डाल रहे हैं तो आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। अगर आप बीए की डिटेल डाल रहे हैं तो डिग्री पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, मतलब कि आपका एग्जाम डेट, सॉरी एग्जाम सिटी। तो 4 एग्जाम सिटी आपको डाल देनी है, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, इस तरह से मैंने डाल दिया है। जो भी आपको ठीक लगे वो अपने एग्जाम सेंटर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है ये सेव एंड नेक्स्ट कैप्चर डालने के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे आपको बीएड की डिटेल डालनी है। अगर आपका पास हो चुका है तो पास स्टेटस में आप पास क्लिक करिए, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, इनमें से आप सेलेक्ट करिए। अगर आपका इनमें से यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आप देख सकते हैं तो देख लीजिए।
नहीं तो दोस्तों आपको इनमें से नीचे आना है। नीचे आने बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अदर का, अदर पे आप क्लिक करेंगे। अदर पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा रिजल्ट। आपका मोड आपको खुल नहीं रहा है क्योंकि मैं अपेयरिंग में यहाँ पे इस फॉर्म को डाल रहा हूँ। फिर आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपको पिन कोड अपना डालना है। उसके बाद एक कैप्चर डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आपसे बोला जाएगा। तो फोटो आपका 200 KB के बीच आपका होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 430 KB के बीच होना चाहिए। फोटो वगैरह मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप भी अपलोड कर लेना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपका प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार आप फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे दो तीन पे सब पे। और उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट एन एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे एक बार चेक करने के बाद दोस्तों। दोस्तों फाइनल सबमिट करने बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है पे एडमिशन फॉर्म। मैं ऐसे इस फॉर्म को फिल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 600 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी से फॉर्म को फिल करते तो यहाँ पे 1200 रुपये आपको फीस दिखाई दी जाती। तो यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक करें, ओके कर दीजिए। फिर से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर से प्रोसीड पर क्लिक करिए। फिर देख सकते हैं आप पेमेंट के ऑप्शन पर आ चुके हैं, जो कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई। जैसे भी आपको पेमेंट करना है पेमेंट कर लीजिए। और पेमेंट करने बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो साथ के साथ आप प्रिंट करा लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो दोस्तों आप जो है बाद में इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसका पीडीएफ बना के अपने पास सुरक्षित तो रख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सी टैट का अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जैसे मैंने प्रोसेस बता दिया है सी टैट जनवरी 2024 का। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।